नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय अक्षय तृतीया व्रत की कथा। एक समय की बात है, शकल नगर में एक धर्मदास नामक वैश्य रहता था। वह धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। वह दान पुण्य का काम बड़ी श्रद्धा पूर्वक करता था। भगवान के प्रति उसकी असीम आस्था थी। वह हमेशा ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया करता था। एक दिन की बात है, वैश्य को किसी दूसरे के माध्यम से अक्षय तृतीया के महत्व का पता चला। उस व्यक्ति ने धर्मदास को बताया कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ और ब्राह्मणों को दान कराने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह बात वैश्य के मन में बैठ गई। जब अक्षय तृतीया की तिथि आई तो उसने उस दिन सुबह स्नान करके पितरों और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके ब्राह्मणों को आदर सम्मान पूर्वक भोजन कराया। इस प्रकार से वैश्य हर साल अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करने लगा। उसका ऐसा करना उसके घर वालों को ठीक नहीं लगता था। उसकी पत्नी हमेशा उसे ऐसा करने से रोका करती थी, लेकिन धर्मदास ने दान पुण्य करना कभी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद धर्मदास का निधन हो गया। अगले जन्म में वह द्वारका के कुशावती नगर में पैदा हुआ। बड़ा होकर वह उस नगर का राजा बन गया। आपको बता दें कि जय सब अक्षय तृतीया की पूजा पाठ का ही फल था। अगले जन्म में भी वह धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति ही था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को पढ़ने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को जरूर पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।